नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के परंपरागत वस्त्रों के बारे में। भारत प्रेजेंट टाइम में ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से ही बहुत अधिक अलौकिक कलाओं का धनी रहा है। प्राचीन काल से ही वस्त्र निर्माण जो है वो हस्तकला के रूप में भारत में प्रचलित रहा है। अलग अलग राजाओं के काल में, या फिर हम बात करें वैदिक युग में, तो उस समय पे भी रंग बिरंगे कपड़े जो हैं, वस्त्र जो हैं, वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। और यहाँ के बने हुए जो प्रसिद्ध है वो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत अधिक इनका एप्रिसिएशन मिलता है, वहाँ पर बहुत अधिक पसंद किए जाते हैं और लोगों के द्वारा खरीदे भी जाते हैं। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते थे उसमें वो और अधिक उसे महंगा बनाने के लिए सोने चांदी के प्योर जो है मेटलिक वायर्स जो हैं वो तार इस्तेमाल किए जाते थे और उन पर बहुत ही सुंदर कढ़ाई अंकित की जाती थी। तो उस समय, उस काल में वैदिक जो स्रोत आज के समय में हमें प्राप्त हैं उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से वस्त्रों को सुंदर बनाकर और उसका इस्तेमाल लोगों के द्वारा किया जाता था। प्रत्येक प्रांत की अपनी अलग विशेषता है, अपने अलग वहाँ के कपड़ों में, वहाँ की कढ़ाई में एक अलग विशेषता के साथ उसको पसंद किया जाता है, लोगों के द्वारा पहना ओढ़ा जाता है। और वर्तमान समय में भी वो जो कलाएं हैं वो कुछ कलाएं ख़त्म हुई हैं और कुछ कलाओं ने अपना रूप बदलकर एक नए रूप में हमारे सामने है। आज हम जो परंपरागत वस्त्र है भारत के, उसके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह के हुआ करते थे और उनमें किस तरह अब वेरिएशन लाकर आज के समय में भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोकेड के बारे में। ब्रोकेड जो है वो बहुत ही संपन्न वस्त्र माना जाता है। ब्रोकेड को कमकिम ख्वाब भी कहा जाता है, यानी कि इसे सपने का वस्त्र कहा जाता था। उस समय जो बनारसी ब्रोकेड हुआ करता था उसमें प्योर रेशम के धागों का इस्तेमाल होता था और उस प्योर रेशम पर सोने चांदी के प्योर जो हैं रेशे, उनसे उन पर वर्क किया जाता था, उसे सुंदर बनाया जाता था। और इनके ऊपर राजा महाराजाओं की जो सीनरी कह सकते हैं हम, उसे बनाया जाता था। गुजरात में, अहमदाबाद में और बनारस के जो ब्रोकेड हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और देश के अन्य भागों में भी ब्रोकेड के वस्त्र बहुत ही अधिक आकर्षक, वैभवपूर्ण व अलौकिक माने जाते थे। तो जब हम बात करते हैं ब्रोकेड की, तो यह अलग अलग प्रकार से बनता था अलग अलग जगहों पर, लेकिन सबसे जो परंपरागत ब्रोकेड है उसमें जो मेन चीज़ थी वह थी, एक तो इसमें जो गोल्ड और सिल्वर के प्योर धागे होते थे और दूसरा जो बैकग्राउंड था वो सिल्क का बनाया जाता था, यानी कि सिल्क और जो मेटैलिक रेशे होते थे वो बिल्कुल प्योर होते थे। और इन पर जो डिज़ाइन बनाए जाते थे, जो डिज़ाइन उकेरे जाते थे, वो अपने आप में पूरी साड़ी में पूरी की पूरी अपनी एक कहानी कहते थे, यानी कि उन पर किसी भी तरह का शिकार से संबंधित चित्रण हो सकता है, हंटिंग करता हुआ राजा हो सकता है, हुक्का पीता हुआ राजा हो सकता है, या फिर पूरे राजमहल की जो है वो सीन जो है वो इसमें दिखाया जाता था। तो इस तरह से ये एक बहुत ही वैभवशाली वस्त्र होता था। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट वस्त्र की बात करते हैं वह है पटोला ऑफ गुजरात। पटोला भी अपने आप में एक वैभवशाली वस्त्र है। इसमें भी सिल्क का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें जो हम डिज़ाइन देखते हैं वो वीव्ड तो है ही, लेकिन वीविंग से पहले रेशों को डाई किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं
कि इक्कत तकनीक जो है वो इस्तेमाल होती है, यानी कि यार्न को पहले डिज़ाइन के अनुसार डाई किया जाता है और डाई करने के बाद में लूम पर उसे इस तरह से सेट किया जाता है धागों को कि वे बुनने के बाद में पूरा उसका पैटर्न दिखाई देता है। यानी कि पहले यार्न को डाई करते हैं, उसके बाद में वीविंग होती है। वीविंग प्रक्रिया के समय धागों पे रंग लगे होने के बाद में उन्हें इस तरह से सेट करते हैं कि वो डिज़ाइन दिखता है। पटोला के जो वस्त्र हैं उनमें मुख्य रूप से परंपरागत जो नमूने हमें देखने को मिलते हैं वे हैं डांसिंग गर्ल्स, फूल पत्ती, टोकरियाँ, हाथी, घोड़ा, इस तरह के जो डायमंड, पक्षी, फुलवारी, नृत्य करती हुई स्त्रियाँ, नारी कुंजर, ये सब जो हैं वो पटोला में बहुत देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एलिफेंट डिज़ाइन और फूल पत्तियों के डिज़ाइन, वो सब हमें पटोला में दिखाई देते हैं।